हिमाचल की राजनीति से जुड़ी छह बागी विधायकों से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छह बागी विधायकों से मिलने पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, चंडीगढ़ पहुंचे हैं और विक्रमादित्य सिंह बागी विधायकों से इसमें मुलाकात करेंगे। विक्रमादित्य सिंह कल, आपको बता दें कि आलाकमान से वो मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, हालांकि उस दौरान कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि सूत्रों के पास जो खबर थी वो ये आ रही थी कांग्रेस ने दो टूक ये कह दिया है कि लोकसभा चुनाव तक सीएम जो है वो बदला नहीं जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि साफ जो सरगर्मियां थी वो सीएम सुक्खू को लेकर थी। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा तक दे दिया था अपने मंत्री पद से, जिसके बाद उन्हें मना लिया गया, वो वापस आ गए, अपने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद अब जो है वो बागी विधायकों से मिलने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छह बागी विधायक जिनकी वजह से एक राज्यसभा की सीट जो है वो बीजेपी के पाले में चली गई थी, उन्हीं छह विधायकों से मुलाकात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह जो है वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कल उन्होंने आलाकमान से भी मुलाकात की थी, उन्होंने जो बागी विधायक है उनकी परेशानियों से पार्टी को अवगत कराया था, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, इसी के साथ केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी चंडीगढ़, जिसके बाद आज वो पहुंचे हैं। छह बागी विधायकों से मुलाकात आज विक्रमादित्य सिंह करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से हिमाचल की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिला, एक राज्यसभा सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ से चली गई, हालांकि कांग्रेस जो है वो वहां पर मेजॉरिटी में थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा, जो जाल बीजेपी ने बुना, उसमें कांग्रेस फंस गई और इसके बाद वो एक सीट चली गई बीजेपी के पास। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, छह बागी विधायकों से मिलने के लिए जो है विक्रमादित्य सिंह पहुंचे हैं, हम बात करें कल की, तो कल वो आलाकमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली, रविवार को हम बात करें तो आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने अवगत कराया था, और उसके बाद वो छह विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जिन छह विधायकों के साथ मुलाकात विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा स्पीकर की तरफ से बागी, जब उनकी तरफ से अगर हम बात करें इन कांग्रेस विधायकों की, इन्हें कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया गया है और अयोग्य करार कर दिया गया है हिमाचल स्पीकर की तरफ से, जिस तरीके से व्हिप जारी किया गया था बजट पारित करने को लेकर। ऐसे में जो ये छह विधायक हैं जिनसे विक्रमादित्य सिंह दोबारा मिलने के लिए चंडीगढ़ के ललित होटल पहुंचे थे, इन छह विधायकों की अगर बात करें तो इन विधायकों का कहना है कि जब पहली बार मुलाकात करने विक्रमादित्य सिंह पहुंचे थे, उस दौरान विक्रमादित्य सिंह भी परेशान नजर आ रहे थे और विक्रमादित्य सिंह भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस को जल्द अलविदा कह दे। ऐसे जो अयोग्य घोषित किए गए विधायक हैं उनका ये कहना है। तो ऐसे में एक बार दोबारा से आलाकमान से मुलाकात करने के बाद विक्रमादित्य पहुंचे हैं। देखिए ईशा ठाकुर, ईशा देखिए, विक्रमादित्य सिंह के केस में हमने रूठना बनाना देखा, पहले वो रूठे, फिर उन्हें मना लिया गया, वो वापस आ गए, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जब उन्होंने आलाकमान से मुलाकात की थी तो कांग्रेस द्वारा दो टूक ये कह दिया गया है, ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव तक सीएम नहीं बदला जाएगा, यानी सुक्खू को नहीं बदला जाएगा, तो इसको लेकर शायद नाराज हैं और वो छोड़ सकते हैं पार्टी, दोबारा से रूठने का सिलसिला शुरू हो सकता है। भले ही आलाकमान की तरफ से उन पर दबाव दिया गया हो और इस्तीफा उन्होंने लोक निर्माण मंत्री के तौर पर जो दिया था वो वापस ले लिया था, लेकिन उनकी माताजी की अगर हम बात करें, प्रतिभा सिंह की, जो मंडी से कांग्रेस की सांसद हुई है और मौजूदा हिमाचल कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी है, उनका कहना है कि संगठन का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से नजरअंदाजी की गई है और संगठन को उतनी तवज्जो सुक्खू सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, खासतौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, और नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, यही मांग उन्होंने ऑब्जर्वर के समक्ष भी रखी थी। डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है, उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, ताकि मंत्री को सुलझाया जाए, लेकिन उनका यही कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन की उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन इस पर कोई कड़ा संज्ञान कांग्रेस, यानी कि वो लगातार आलाकमान को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि छह विधायक किस वजह से नाराज है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना हो किस तरीके से हिमाचल की राजनीति में हलचल देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।